इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आंसर में पार्ट सिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है सीबीएसई सैंपल पेपर का, इंटीग्रेशन 1 - x / 1 + x² का होल स्क्वायर e^x dx। देखिए इसमें क्या करना है, आप ऊपर 1 - x का होल स्क्वायर ओपन करिए तो 1 + x² - 2x और अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर चल रहा है e^x dx। अब आप क्या करते हैं कि 1 + x² का जो होल स्क्वायर है इसका डिवाइड यहाँ और यहाँ करिए। जब आप इसका डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो 1 + x² / 1 + x² का होल स्क्वायर -2x / 1 + x² का होल स्क्वायर (e^x dx)। ध्यान दें ये कैंसिल हो जाएगा और अब आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, 1 / 1 + x² - 2x / 1 + x² का होल स्क्वायर (e^x dx)। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेट बन गई आपकी। कौन सी फॉर्मेट, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है e^x(f(x) + f'(x)। इसका आंसर क्या होगा, e^x(f(x) + c)। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है आपसे, f(x) + उसका डेरिवेटिव। अब ध्यान दें तो 1 / 1 + x² का डेरिवेटिव है -2x / 1 + x² का होल स्क्वायर। मैं अलग से समझा भी सकता हूं आपको, ddx(1/1 + x² है। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² - 1, -1 आगे आ जाएगा, 1 + x² - 2 हो जाएगा, फिर 1 + x² दोबारा करेंगे तो 0 + 2x। तो ध्यान से देखें तो ये -2x / 1 + x² का होल स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा ये fx और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, e^x (1/1 + x² + c)। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4 मार्क का है और ये सीबीएसई 2014 में आया, 2014 में आया है। आसान क्वेश्चन है, देखिए sin^(x + cos^6x) / sin²(x) / cos²(x) dx। देखिए इंटीग्रेशन में कोई टफ नहीं होता, मेन आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे sin^(6x) + cos^6x), पहले हम इसको ब्रेक करना सिखा रहे हैं। sin^(6x) + cos^6x) लिखा हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ sin²(x)³ + cos²(x)³। aq + bq का फॉर्मूला जानते हैं, a + b³ - 3ab(a+b). करेक्ट, आप देख लीजिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, a + b³ क्या जानते थे आप, aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a+b। तो ध्यान से तो आप aq + bq का फॉर्मूला ध्यान से देखें तो क्या है, a + b का होल क्यूब, ये इधर आ जाएगा तो -3ab (a+b), ये किसकी वैल्यू हो गई, aq + bq की। तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि aq + bq का आप लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब - 3ab (a+b). तो ध्यान से देखें तो sin²(x) + cos²(x) आपका 1 हो जाएगा, तो 1³ हो गया, 1 - 3 sin²(x) cos²(x) और sin²(x) + cos²(x) 1 हो गया। तो sin^(6x) + cos^(6x) के प्लेस में आप ये पुट कर सकते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप 1 - 3 sin²(x) cos²(x) / sin²(x) cos²(x) लिख सकते हैं। आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 / sin²(x) cos²(x) dx - 3dx। जब इसका डिवाइड आप यहाँ करेंगे तो 1 / sin²(x) cos²(x), जब यहाँ डिवाइड करें तो 3 आएगा। अब इस 1 के प्लेस में लिख देंगे sin²(x) + cos²(x) /
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स थ्री वन डीएक्स। अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड जब इसके नीचे करेंगे तो आपका बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन जब ये करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस जब आप इसका डिवाइड इसके नीचे करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस थ्री वन डी एक्स। अब इसका आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, कॉस एक स्क्वायर का आप जानते हैं वन का आप जानते हैं, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। थैंक यू। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया आपका 2012 में, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी कभी पेपर में हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए साइन फोर एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, केवल दो फंक्शन हो जाए, दोनों साइन साइन हो जाए या दोनों कॉस कॉस हो जाए या एक साइन हो जाए और एक कॉस हो जाए, तो इस केस में इन जो प्रोडक्ट में लिखा है इसको आप सब में ब्रेक करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टू साइन ए साइन बी टू कॉस ए साइन बी टू कॉस ए कॉस ई, बस यहाँ पर अब यहाँ पर दो फंक्शन की जगह ट्रिग्नोमेट्रिकल तीन फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो कुल मिला के इसको प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में लिखना है। देखिए बड़ा आसान है, आप एक काम करें यहाँ पर लिखा है साइन एक्स साइन टू एक्स, देखिए कहने को तो किसी भी दो को आप एक साथ कर सकते हैं साइन थ्री एक्स, आप इन दोनों को भी एक साथ ले सकते थे, आप इन दोनों को भी एक साथ ले सकते थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ध्यान दें तो जानते हैं कि वन अपॉन टू अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जानते हैं आप क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी करेक्ट इंटू साइन थ्री एक्स डी एक्स, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है फॉर्मूला सही है। कॉस एक्स माइनस टू एक्स क्या होगा, कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स अपनी जगह लिखा रहेगा, माइनस ये एक्स और टू एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स साइन थ्री एक्स, वन अपॉन टू अपनी जगह मौजूद है, वन अपॉन टू अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर कॉस एक्स को अंदर भेज देंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। अब आप देखिए फिर से यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया, तो जब जब प्रोडक्ट में रहेगा इस तरीके से दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन और कॉस की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर से दो का मल्टीप्लाई और दो का डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अंदर चला जाएगा, यहाँ दो का डिवाइड करेंगे तो चार हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस एक्स साइन थ्री एक्स माइनस टू कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स करेक्ट। अब ये आपका देखिए वन बाई फोर हो जाएगा, अब यहाँ पर टू कॉस एक्स कॉस टू कॉस एक्स साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला जानते हैं आप, वो लगा देंगे और यहाँ पर टू कॉस ए साइन ए, देखिए दोनों जगह थ्री एक्स, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन सिक्स एक्स का, ये हो जाएगा आपका टू कॉस एक्स साइन थ्री एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स डी एक्स। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर वन अपॉन फोर, अब यहाँ टू कॉस ए साइन बी का फार्मूला, टू कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करेक्ट डीएक्स और वन बाई फोर साइन सिक्स एक्स डी एक्स करेक्ट। मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन को अंदर ले गए, यहाँ पर टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको मालूम है टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला साइन टू ए होता है, तो ये साइन सिक्स एक्स हो जाएगा
और यहाँ पर इंटीग्रेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन अलग लगा दिया, 1/4 का मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, मैं एक लाइन रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ 1/4 अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन फोर एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस 3x, माइनस 2x होगा, और dx माइनस 1/4, यहाँ पर चल रहा है साइन 6x dx। अब इसके आगे आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, साइन 4x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होगा, साइन 4x का इंटीग्रेशन, साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4x, फिर x से कोफिशिएंट का डिवाइड करेंगे। यहाँ भी आप जानते हैं साइन माइनस 2x क्या होगा, माइनस साइन 2x, मैं लिख दे रहा हूँ 1/4 साइन 4x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। अब आप कर सकते हैं, यहाँ पर साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यहाँ साइन 6x का माइनस कॉस 6x अपॉन 6, और प्लस सी। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आया है 2013 में, 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए अब ये 2013 का है, ठीक बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में और एक इस क्वेश्चन की बात करें, इन दोनों का लगाने का तरीका एक ही है, यहाँ पर अंडर रूट हो या अंडर रूट ना हो। तो मैं ये क्वेश्चन आया नहीं है, आया ये वाला है, लेकिन अगर हम ये डिस्कस करेंगे तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो जाएगा। हमें प्रयास ये करना होता है इसमें कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म है और ये जो ये है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पर देखिए लीनियर फॉर्म है, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में सेट करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में सेट करना होता है। घर जा रहे हैं आप, अब देखिए क्या करना है मैं। तो 2x प्लस 3 मेरे पास लिखा हुआ है, अब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 4, करेक्ट है कि नहीं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का 2x हो गया, 4x का 4 हो गया। अब 2x प्लस 3 को किस तरीके से लिखा जाए कि 2x प्लस 4 बन जाए, तो आप 2x प्लस 3 को 2x प्लस 4 माइनस में लिख सकते हैं। इसका एक तरीका भी है, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हम उसको क्यों लगाएं अगर मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब हम 2x प्लस 3 कैन बी रिटन एज 2x प्लस 4 माइनस 1। तो जरा लिखते हैं क्या मिलता है हमें, 2x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डीएक्स। अब क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जब आप डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो ये 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिखाई दे रहा है आपको, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डीएक्स। अब देखिए इस प्रॉब्लम ध्यान दें, इसको अगर हम टी लेट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को अगर हम टी लेट करें तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो 2x प्लस 4 डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2x प्लस 4 डी एक्स, ये डी टी हो गया हमारा, और यहाँ पर टी हो गया, तो ये हो गया रूट टी, करेक्ट, माइनस ये प्रॉब्लम भी, इसको हम आई वन बोल देते हैं, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, करेक्ट। ये तो आप समझ रहे हैं, ये टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा ऊपर जाके, माइनस आई वन, आई वन पर अलग से डिस्कस कर ले रहे हैं। ये टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस आई वन। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, टी की जगह वापस रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब बात आती है इस आई वन को कैसे सॉल्व करें, तो देख लीजिए इस आई वन को अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस जब आई वन की बात करें तो क्या आएगा आई वन का रिजल्ट, आई वन का मतलब है यहाँ पर 1 अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन से। इसमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लगाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर वन है, वन बना है, वन यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का कोफिशियंट फोर है, फोर का हाफ टू होगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका ध्यान दें तो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर प्लस वन थ्री, ध्यान दें ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर प्लस वन ये आपका माइनस थ्री हो जाएगा डी एक्स। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहां पर आप सी वन लिखेंगे लेकिन यहां भी सी वन है, फिर आप कहेंगे इसमें भी आपने कॉन्स्टेंट ऐड नहीं किया तो वो आखिरी में एक साथ हम कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसके बाद देखिए आपका रिजल्ट कुल मिला के क्या आया, लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे लिख दे रहा होगा, लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन मॉड, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वन। अब ये आई वन केवल यहां पर रख देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो ये टी की पावर हाफ हो जाएगा अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, हाफ हो जाएगा माइनस लॉग आई वन की वैल्यू एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। कभी आपको फॉन्ट छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मेरे साथ नोट करें, टी की वैल्यू आपने यहाँ पर लटकी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस, इसको एडिटिव लिख देंगे प्लस सी, तो ये आपका आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ लाइव हूँ, कोई अगर दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ तुरंत। मेरा प्रयास है कि एक एक स्टेप को समझाना। इसके बाद देखिए 2011 में ये क्वेश्चन है, फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, ये भी अंडर रूट में है। तो इसमें भी हम ये क्वेश्चन हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, ये आपका क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2011 का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने कराया। इसमें भी मैंने बताया कि यहाँ पर ये 4x लिखा हुआ है, मैंने बताया कि आपको न्यूमरेटर को इसके डिनोमेटर के फॉर्म में सेट करना है, मतलब 5x प्लस 3 को लिखना है इसके डिनोमेटर में जो लिखा हुआ है इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस 4। अब 5x प्लस 3 को किस प्रकार लिखा जाए कि 2x प्लस 4 मिल जाए, तो पहले यहाँ आप लिख दीजिए 2x प्लस 4। देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 5x है, तो आप यहाँ पर 5 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 बाई 2 जब अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, करेक्ट। और जब 5 बाई 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 बाई 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 10, आपको करना पड़ेगा माइनस 7। ये देखिए आप चाहें तो एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, 2 5 2 जा 10x प्लस 20 माइनस 14, तो ये आपका हो गया 10x, 20 माइनस 14
ये आपका मिला 6 अपॉन 2 5x प्लस 3, करेक्ट। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 5x प्लस 3 को इस तरीके से चेंज किया डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो बस ये उठा के आप यहाँ रख देंगे और फिर आप इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे 5/2। मैं पूरा नहीं करूँगा प्रॉब्लम, बिल्कुल वैसा ही है, -7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब जब आप इसका डिवाइड यहाँ कर देंगे, एक बार डिवाइड यहाँ कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। बस मेन इसमें ट्रिक है कि इसको कैसे लिखें, हाउ टू राइट। तो इसका तरीका भी मैंने आपको समझाया, हालांकि बुक में इसका एक तरीका और है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। बुक में इस तरीके से समझाया गया है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू m ddx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब जो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस n। अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, करेक्ट, सॉरी 2x प्लस 4। अब इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए, कंपेयर करा दीजिए, तो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म यहाँ एक x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2m दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 है, तो m की वैल्यू यहाँ पर 5/2 आ रही है। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखा जाए तो m अंदर जाएगा तो 4m हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर n, ये कांस्टेंट टर्म LHS RHS में कांस्टेंट टर्म 4m प्लस n है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है, तो 4 इंटू m की वैल्यू यहाँ पर 5/2 है, n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ध्यान दें तो 5 × 2 = 10, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -7, यही मैंने पहले भी लिखी थी, यहाँ पर मैंने 5/2 लिखा था, यहाँ पर -7 लिखा था। तो ये तरीका है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके सब डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है 2013 का आया है, क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद एक क्वेश्चन है 2010 में, वो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये भी प्रॉब्लम आपके आराम से हो जाएगी। इसमें पहले आप ऐसा करिए ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से हो जाएगा ये प्रॉब्लम। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक ये टाइप है, ये भी एक देखिए 2013 में है क्वेश्चन, dx अपॉन x x की पावर 5 प्लस 3। कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे, मतलब प्रॉब्लम इस तरीके का, मतलब यहाँ पर n है, अब इस प्रॉब्लम में n इक्वल टू 5 है, ये ऐसे समझ सकते हैं आप, ये जनरलाइज फॉर्म है, और यहाँ पर 3 जरूरी नहीं कि 3 हो, यहाँ पर k हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में k इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, इस प्रॉब्लम में k इक्वल टू 5 है, सॉरी 3 है। तो देखिए तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, dx अपॉन x x टू द पावर 5 प्लस 3 है ये प्रॉब्लम है। इसमें हमेशा x की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 का मतलब यहाँ पर ये 5 है, तो ये x की पावर 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर 4 का डिनोमिनेटर में, तो ये पावर 4 यहाँ पर और ये पावर 1 पहले से लिखी हुई है, तो x की पावर 5 हो गया, x की पावर 5 प्लस 3। इसके बाद यहाँ पर आप लेट करेंगे x की पावर 5 को t, तो x की पावर 5 को जब t लेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 इसको लो dt बाई dx, करेक्ट, आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से x की पावर 4 dx इक्वल टू 1/5 dt हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर देखिए ना 5x की पावर 4 आया और t का dt बाई dx हो गया, x की पावर 4 dx इक्वल टू 1/5 dt हो गया। तो आपने यहाँ पर 1/5 dt लिख दिया और ये हो गया आपका t plus 3, ठीक है। अब 1/t t plus 3 को कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन का जब बनाया था मैंने डिस्कस किया था, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से एक बात ध्यान रखिए, जैसे कभी भी मैंने आपको पहले भी समझाया कि ब्रेक करना हो 1/3 × 5 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 − 1/5, और इन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसका डिवाइड कर दीजिए, ये इसका ब्रेक करने का तरीका है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हो 3 × 7, तो 1/3 − 1/7,
और डिफरेंस कितने का, चार का, तो अब चार का डिवाइड कर देंगे। जैसे ये न्यूमेरिक में है वैसे एलजेब्रा में भी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है वन अपॉन फाइव वन अपॉन टी टी प्लस थ्री, तो अब यहाँ पर वन अपॉन फाइव अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर इसको लिखेंगे वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस थ्री, और डिफरेंस कितने का है, थ्री का, तो आप थ्री का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और ये आपका डी टी हो गया, ये इंटीग्रेशन है, करेक्ट। वन अपॉन टी टी प्लस थ्री, तो डिफरेंस जैसे यहाँ पर कितने का था, डिफरेंस डिफरेंस यहाँ पर फोर का था, जैसे डिफरेंस यहाँ पर कितने का था, फोर का था, तो फोर को डिवाइड किया, जैसे डिफरेंस यहाँ पर थ्री का है तो थ्री का डिवाइड किया, ये हो गया वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस थ्री, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन फिफ्टीन। अब ये वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस थ्री डी टी, करेक्ट। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस थ्री, वन अपॉन फिफ्टीन लॉग मॉड ऑफ टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस थ्री प्लस सी वन अपॉन फिफ्टीन वन अपॉन फिफ्टीन लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन प्लस सी, यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन लगाया मैंने, लॉग एम बाई एन हो गया, और टी की वैल्यू आप जानते हैं एक्स की पावर फाइव मैंने लेट की हुई है, यहाँ पर रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन फिफ्टीन लॉग मॉड एक्स की पावर फाइव अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री प्लस सी। अब इसके बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जितने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, करीब अप्रॉक्सीमेट मेरे पास 50 क्वेश्चन हैं, मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन का सलूशन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 2012 से लेकर 2016 तक में आए हुए प्रश्न पूछे जो गए हैं बोर्ड में, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जब आपके साथ आज डिस्कस करूँगा उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और वीडियो समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और लिंक को शेयर करिए। थैंक यू।